आकाश को लेकर पीएम के बयान पर विजय शाह ने आकाश का बचाव किया है। शाह ने कहा कि अति उत्साह में ऐसे घटना हो जाती है, जो पहली बार विधायक बने हैं उन्हें समझना चाहिए। जानबूझकर ऐसा कदम नहीं उठाया गया है, आकाश ने कोई ऐसा कदम जानबूझकर नहीं उठाया है। नया विधायक है, कई बार गुस्से में ऐसा कदम उठ जाता है, लेकिन जिस अधिकारी ने महिला के साथ बदतमीजी की वो सबके सामने है, तो ऐसा हो जाता है। हम उसको सही नहीं ठहरा रहे, लेकिन गारंटी है कि ऐसा आगे नहीं होगा। आकाश बहुत ही लायक लड़का है, गुस्से में अगर कोई कदम उठाया है तो वो क्षमा योग्य है। ये हम लोग लगातार लंबे समय से राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करते हैं, और कई बार जब या तो अति उत्साह में या फिर कोई ऐसी घटना हो जाती है सामने वाले की तरफ से, और जो खास करके पहली बार जो विधायक बनते हैं उनको थोड़ा सा समझना चाहिए, प्रशिक्षण भी देना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा अपराध है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। राजनीति में इसकी जगह नहीं है, लेकिन भविष्य में ध्यान रखें। विजय शाह बोले कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना चाहिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। राहुल गांधी के नेतृत्व में देश कहाँ जा रहा है सबको दिख रहा है। देखिए, ये उनका पर्सनल मैटर है कि वो किसको अध्यक्ष बनाए ना बनाए, ये उनका मैटर है, इसमें हमें कुछ भी नहीं कहना। राहुल जी के नेतृत्व में देश कहाँ जा रहा है ये उनको भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है। हम तो चाहते हैं कि राहुल जी और बने रहे अध्यक्ष, हमें सुविधा होगी। बैटकान ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता रोज इसे हवा देते हैं। ऐसे में विधायक आकाश विजयवर्गीय भी पीछे नहीं हट रहे हैं। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को चैलेंज कर दिया है और कहा है कि अगर उनमें दम है तो मामले की सीबीआई जांच करें, केंद्र सरकार को रिकमेंड करें। अगर मैं गलत साबित होता हूं तो राजनीति छोड़ दूंगा, वो करूंगा जो फिर आप कहेंगे। मुझे यह बात जानकर खुशी हुई कि जब मैं जेल में था तो सज्जन वर्मा जी ने कहा कि वो सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें चैलेंज करता हूं कि यदि उनमें दम हो तो मैंने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक आवेदन भेजा है। यदि सज्जन सिंह वर्मा जी में दम है तो वो इस मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को रिकमेंड कर दें। मेरे पास और भी सबूत हैं, मैं उन्हें ये भी निवेदन करता हूँ, यदि वो सीबीआई जांच की मांग के लिए केंद्र सरकार के पास भेज देते हैं तो मैं और अगर वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा और जैसा वो बोलेंगे, जिस प्रोफेशन में वो बोलेंगे उसमें काम करूंगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।